ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के तत्वाधान में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजविका परियोजना द्वारा गढ़बोर राजविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड गढ़बोर में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुंभलगढ़ ब्लॉक परियोजना प्रबंधक श्याम लाल तेली ने संबोधित किया और कहा कि महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और महिलाओं के समानता के अधिकार पर जागरूक किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष हेमलता मेघवाल ने कार्यक्रम की प्रशंसा के साथ ही कुंभलगढ़ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर देवकरण गुर्जर द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया और महिलाओं को अधिक बचत करने एवं खर्च को कम करने के बारे में बताया। क्लस्टर मैनेजर डिम्पल वैष्णव ने कार्यक्रम को संबोधित किया, बताया कि क्लस्टर के अंतर्गत सभी गरीब महिलाओं को राजीविका योजना से जोड़कर गरीबी उन्मूलन एवं महिलाओं सशक्त बनाने के ऊपर कार्य किया जा रहा है। अभी तक गढ़बोर फेडरेशन के अंतर्गत 303 समूह का गठन किया गया है, जिसमें 3650 महिला सदस्यों को जोड़ा गया है। और क्लस्टर लेखापाल कैलाश मेघवाल ने फेडरेशन का वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। उपाध्यक्ष आशा देवी ने सभी का आभार व्यक्त किया और क्लस्टर के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले कैडरों को भी सम्मानित किया गया। और कार्यक्रम में गंगाबाई दसाणा, ललिता राठौर, तरुणा राधा, क्लस्टर मैनेजर डिम्पल वैष्णव, लेखापाल कैलाश, वधु मेघवाल, मंजू लता सुथार, 60 राजविका समूह सदस्य उपस्थित हुए। कार्यक्रम में नन्ही मुन्नी बच्चियों द्वारा डांस, कुर्सी रेस, चम्मच आदि प्रतियोगिताएं भी रखी गई, जिसमें समूह की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किए गए एवं कार्यक्रम में मंच संचालन क्लस्टर मैनेजर डिम्पल वैष्णव द्वारा किया गया।